हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो हमने लॉकडाउन में बनाई थी, लेकिन किसी वजह से हम इसे अपलोड नहीं कर पाए थे, तो हम इसको आज अपलोड कर रहे हैं। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। देखिए, सुबह सुबह कितना काम होता है, पूरा घर बिखरा होता है, सब समेटना पड़ता है। सबसे पहले हम ये बेडरूम को क्लीन करेंगे। कपड़े हमने रात में धो लिए थे, रात में ही धोते, बारिश का टाइम है तो रात भर में फैन के नीचे सुखाना पड़ता है, तो इसीलिए कपड़े रात में धो लिए थे। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे, सूख चुके अच्छी तरह से। बेड को क्लीन कर लेंगे। ये देखिए, कपड़े फोल्ड करके रख दिए हमने, बेड हमारा क्लीन हो चुका है। बस इसमें झाड़ू पोछा बाकी है, जो कि हम ही लोगों को करना है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मेड तो आ नहीं रही है घर पे और छोटे बच्चे, इसीलिए हम बुला भी नहीं। अब ये बेडरूम को भी हम क्लीन कर लेंगे। ये हमारा बेडरूम है, हस्बैंड नहाने के लिए गए हैं, तो उतनी देर में मैं उनका आने से पहले उनके बेडरूम क्लीन कर लूंगी। ये देखिए, ये बेडरूम भी हमारा क्लीन हो चुका है, बच्चे भी हमारे उठ गए हैं, हमने उनको जगा दिया है। देर तक हम सोने देते थोड़ा, क्योंकि स्कूल तो है नहीं, बड़े वाले बेटे की ऑनलाइन क्लास शुरू है तो 10:30 को होती है, उसी हिसाब से हम 1 घंटा पहले जगा देते हैं बच्चों को। अब उनका बेडरूम भी हम क्लीन कर लेंगे। बच्चों की बेड भी क्लीन हो चुकी है। अभी हम बच्चों को ब्रश करवाएंगे, फिर नहाने। अब बच्चों को हमने ब्रश करवा लिया है, बाथ टब में थोड़ी देर के लिए हम बिठा कर आए हैं, तब तक हम उनके कपड़े निकाल लेते हैं। देखिए, बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी है। एप्पल का जूस बनाया है हमने, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और ये पीनट्स एंड गुड़, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको जरूर दें बच्चों को। ये हरे मूंग है जिसको हमने स्प्राउट करके घी में फ्राई कर लिया है, ये नाश्ते में बच्चों को जरूर दें। अब हम बच्चों को नाश्ता देंगे। ये देखिए, बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। ये छोटे हैं, इनको तो खिलाना ही पड़ता है, और ये बड़े बच्चों को भी हमें ही खिलाना पड़ता है। कभी तो खा लिए, मूड है तो अपने हाथ से खाते, नहीं तो खिलाना ही पड़ता है। ये देखिए, बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, और बच्चे खाएं या ना खाएं, बच्चों के आगे हम रखते जरूर है, कुछ ना कुछ तो उसमें से खाते ही है वो।
बच्चों का तो नाश्ता हो गया है, अब हम हस्बैंड को भी नाश्ता दे देते हैं, फिर क्लास शुरू हो जाएगी बच्चे की। मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी, तो मैं क्लास खत्म होने के बाद वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए 2 मिनट में ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी हमारे बेटे की, तो हम क्लास के बाद। ये देखिए हॉल हमारा पूरा खाली पड़ा हुआ है, सोफा नहीं है। लॉकडाउन शुरू हो गया, सोफा लाने के लिए हमें वक्त ही नहीं मिला, और फ्रिज लाना है, किचन में न्यू फ्रिज चाहिए था, झूमर लाना था, बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग में है। शुक्र है कि फैन लग गया था हमारा, कि वो यूज करने में आ गया, नहीं तो वो भी नहीं लग पाता। अब देखते हैं कभी सब जैसे ही खुलेगा, जैसे सब चीजें शॉप वगैरह खुलेगी तो लेकर आएंगे। फिर घर का हमारे काम पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था, 2 बाथरूम का काम बच गया था, प्लम्बर का कुछ काम बच गया था, और लॉकडाउन शुरू हो गया, उसकी वजह से ये बाथरूम यूज करने में नहीं आ रहा, इसीलिए थोड़ी बहुत चीजें इसमें रख दी है। और अब जब देखते हैं कब प्लम्बर आता है, कब हमारा ये काम होता है। हमारा गेस्ट रूम है, इसको हम आपको खोल के नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत सारा सामान रखा हुआ है। जब तक हम उसको सेट नहीं करेंगे हम ये रूम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि बहुत फैला हुआ है। उसका भी बाथरूम का काम बाकी है, इसीलिए वो बंद ही रखा हुआ है। अभी हमारे बच्चे फ्री है, टीवी देखेंगे वो थोड़ी देर के लिए। जब तक बच्चे टीवी देख रहे हैं तब तक हम खाना बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम हल्दी दूध पका चुके हैं बच्चों को देने के लिए। ये हल्दी दूध जरूर दिया करिए आप, रात में तो बहुत अच्छा होता है। इसमें शक्कर के बजाय आप हनी डालिए, हमने इसमें हल्दी डाल के बॉईल कर लिया है, देते वक्त हम इसमें हनी डाल के देंगे बच्चों को। चलिए अब हम ये दूध बच्चों को दे देते हैं, हनी भी हमने इसमें डाल दी है। फटाफट से दूध फिनिश करो। ये देखिए लाइट्स हमें और बच्चों को बहुत पसंद है, इसीलिए बच्चों के बेड में हमने लाइट्स लगवाई है। थोड़ा सा बच्चों का बेडरूम का व्यू भी दिखा देते हैं हम। यहाँ पर बच्चों के कबर्ड हैं। अभी दूध पीने के बाद हमारे बच्चों को आदत है 10 से 15 मिनट्स के लिए हम मोबाइल देते हैं, ज्यादा देर नहीं। सब लोग अपने अपने मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, और इतना अच्छा है बच्चों में कि जब भी हम बोलेंगे कि मोबाइल दे दो तो वो चुपचाप से हमें दे देते हैं। इसीलिए हम और बच्चों को थोड़ा बहुत तो मिलना ही चाहिए मोबाइल, ज्यादा हम भी जानते हैं कि मोबाइल नहीं देना चाहिए बच्चों को, लेकिन 10 से 15 मिनट से कुछ भी नहीं होता है। 10 से 15 मिनट तो मैं तो देती ही हूँ क्योंकि उतना बहल जाते हैं बच्चे। आपको मास्टर बेडरूम दिखा देते हैं, पूरा नहीं दिखाएंगे हम। ये देखिए एक बेटा हमारा यहां पर बैठा है, सब लोग अलग अलग बैठते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो एक दूसरे से मोबाइल की वजह से।
एक बेडरूम में ये बैठे हैं, छोटे वाले बेटे हमारे। यहाँ देखो, दे दोगे ना 10 मिनट्स में मोबाइल? बच्चा समझदार है हमारा, है ना, दे देता है ना बेटा। ये देखिए मोबाइल खेल चुके हैं बच्चे हमारे, अब इनके सोने का टाइम है, अभी सो जाएंगे, है ना बेटा।